आपको नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से अपने इस ब्लॉग में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपने पिछले ब्लॉग में हमने आपको मुक्तेश्वर धाम के दर्शन कराए और आज हम बढ़ेंगे मुक्तेश्वर धाम से अल्मोड़ा की ओर। तो फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर महादेव जी के इस ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं समाप्त और यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं अल्मोड़ा के लिए, मुक्तेश्वर महादेव जी से। और अल्मोड़ा की जो डिस्टेंस है वो है लगभग 49 to 50 किलोमीटर। तो अब हम बढ़ रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। आप भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जो है 7,500 फीट की ऊंचाई पर है और वहाँ से अभी हम नीचे उतर रहे हैं। और ये वन विभाग की सड़क है और इस रूट के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी तरह से ये कच्ची रोड है, आप देख सकते हैं, टूटी फूटी रोड, और इस पर हम लगातार आगे बढ़ते हुए। तो अभी हम चल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। और ये जो पूरा जंगल है, ये बांज, बुरांस, देवदार और चीड़ के घने पेड़ों से ढका हुआ है पूरी तरह से। ओह माय गॉड, ऐसा रूट में मैं कभी नहीं आया अपनी लाइफ में। मतलब जब हम गांव जाते हैं तो वहां के लिए भी ऐसा रूट, लेकिन इतना ख़तरनाक भी नहीं है। एक तो यहाँ घना जंगल है बहुत ज़्यादा, इस वजह से चैलेंजिंग बन रहा है। और ये देखो, बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिली हमें। तो फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर धाम से चल करके अब हम पहुंच चुके हैं क्वारब नामक जगह पर और यहाँ से अल्मोड़ा की दूरी है 13 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अब ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर रुक करके थोड़ा दोपहर का लंच कर लेते हैं। मुझे तो भूख नहीं लगी है, लेकिन मैडम खा रही हैं यहाँ पर खाना, और फिर यहाँ से हम करेंगे आगे की जर्नी अल्मोड़ा के लिए शुरू। पहाड़ी रूट्स पर यदि आपको बड़े होटल्स न भी मिलें तो इस तरह के ये छोटे छोटे खाने के स्टॉल आपको आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमारा जो रोज़मर्रा का भोजन होता है, हल्का फुल्का नाश्ता, वो आसानी से उपलब्ध होता है। तो आप इनमें आसानी से दोपहर का भोजन कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर भोजन कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से अल्मोड़ा की तरफ। इस वाले रूट से हम आए थे, ये है मुक्तेश्वर से आती है ये सड़क और यहाँ से, और अब हम इस पुल को क्रॉस करके और उधर बढ़ेंगे अल्मोड़ा की ओर। और ये वाला जो रूट है ये जाता है हल्द्वानी की ओर। पहाड़ों में बनी हुई इन सर्पिलाकार सड़कों पर इस समय हम बढ़ रहे हैं आगे और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए हमारी यह यात्रा निरंतर चल रही है। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के मेन मार्केट में। फ्रेंड्स, अभी हम अल्मोड़ा मार्केट से और बढ़ रहे हैं कसार देवी टेंपल की ओर। और आप देख सकते हैं कितना खतरा रास्ता है ये और खड़ी चढ़ाई। आज सुबह हमने नैनीताल से मुक्तेश्वर धाम के लिए जर्नी शुरू की थी और दोपहर में हम मुक्तेश्वर धाम पहुँचे और उसके बाद हमने शिवालय में पूजन अर्चन किया और कुछ देर मुक्तेश्वर धाम में प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। और उसके बाद फिर हमने अपनी जो जर्नी शुरू की वो की हमने अल्मोड़ा के लिए। और इस समय हम बढ़ रहे हैं कसार देवी टेम्पल के लिए और ये एक सिंगल रूट वाली लाइन है और इस पर हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कसार देवी टेंपल के पास और यहां पर हमने रूम लिया है रेंट में। तो आज रात को हम यहां पर नाइट स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में हम
माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर में जाएंगे। तो अभी फिलहाल टाइम हो गया है शाम के 7 बजे, तो पहले हम करके आते हैं डिनर। तो चलिए चलते हैं अब हम डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स, फाइनली हमने डिनर कंप्लीट कर लिया है। ये है डोलमा रेस्टोरेंट कसार देवी टेम्पल के पास, और दिन भर से भूख भी लगी थी और बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिला हमको रात में, तो हम उसको चट कर गए। जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग कसार देवी टेम्पल से रिलेटेड होगा वो हम लेकर के आएंगे आपको अगले वीडियो के साथ। उसमें हम कसार देवी की पूरी हिस्ट्री बताएंगे आपको कि किस तरह से ये टेम्पल बना। स्वामी विवेकानंद भी इस टेम्पल में आए थे, उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था, और क्यों ये टेम्पल विश्व के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। तो ये सब देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लगातार इसी तरह के ब्लॉग्स लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।